for me. Lately I was feeling like I need a purpose. तो गाइस जैसे कि आप मेरे थंबनेल में देख सकते हो कि आज मैं बनाने वाला हूँ गार्लिक सॉस। गार्लिक सॉस आप किसी भी फ्राई आइटम के साथ यूज कर सकते हो, चाहे वो पकोड़ा हो, चाहे वो स्प्रिंग रोल हो। अगर आप घर पे मोमोज बना रहे हो तो मोमोज के साथ जरूर ये सॉस ट्राई करें। तो गाइस सबसे पहले हम लेंगे सनफ्लावर ऑयल। आपके पास कोई भी ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे वो कॉर्न ऑयल हो, कोई भी रिफाइन ऑयल आप यूज कर सकते हो। दूसरा एग, और एग भी हम व्हाइट एग यूज करेंगे, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। थर्ड इज गार्लिक, फोर्थ इज लेमन सॉल्ट। अगर आपके पास लेमन सॉल्ट नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, और ये सॉल्ट। तो गाइस सबसे पहले हम गार्लिक थोड़ा स्लाइस कर लेंगे, रफली स्लाइस कर सकते हो आप, ज्यादा चॉप करने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे भी इसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में करके गार्लिक सॉस के लिए आपको व्हाइट एग यूज करना है। और पहले आपको अंडा व्हाइट को अलग कर लेना है, येलो अलग कर लेना है, फिर हम व्हाइट एग यूज करेंगे गार्लिक सॉस के लिए। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से व्हाइट एग को अलग कर सकता हूँ। अगर आपके पास दूसरा कोई तरीका है तो आप दूसरा तरीके से भी एग व्हाइट अलग कर सकते हो। तो गार्लिक सॉस के लिए मेन है कि आपको एग व्हाइट ही यूज करना है। येलो बिल्कुल एग व्हाइट ले लिया है। एग व्हाइट के में हम ऐड करेंगे गार्लिक, पूरा गार्लिक मैंने जो स्लाइस किया था वो डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन सॉल्ट। अगर आपके पास लेमन सॉल्ट नहीं है, आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा सॉल्ट यूज करेंगे, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास लेमन सॉल्ट है तो इसमें सॉल्ट थोड़ा कम ही यूज करें। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप सॉल्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं इस मिक्सर की मदद से इसको ब्लेंड करूंगा और इसमें धीरे धीरे ऑयल ड्रॉप करूंगा। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप छोटे मिक्सर में भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑयल नहीं डालना है, धीरे धीरे ऑयल डालना है। तो जैसे कि तो गाइज आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस हो गई है। तो गाइज आपको तब तक इसमें ऑयल डालना है जब तक कि सॉस थिक ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सॉस मेरा थिक हो गया, अब मैंने इसमें ऑयल डालना बंद कर दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि सॉस हमारी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको बॉल में डाल दूंगा। सॉस ट्राई करें, गार्लिक सॉस मोमोज के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देगी आपको। और जो बाकी इसकी रेसिपी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। Lately I was feeling